तो फ्रेंड, आज हम मूंग की दाल की और वटाने की कचौरी बनाने जा रहे हैं। मैंने आधा वाटी मूंग की दाल ले ली है। इसे धो के और उसे बॉईल करने रखेंगे 10 मिनट के लिए। हम इसे बहुत कम पानी में बॉईल करने रखेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे बॉईल होने देंगे। हमने आधा वाटी वटाने ले लिए हैं। इसे हम कढ़ाई में सेकेंगे। इसे कढ़ाई में अच्छे से सेक लेंगे। पांच मिनट के लिए इसे सेकना है। मटाने को एकदम अच्छे से रोस्ट करना है। इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। हमारे मटाने रोस्ट हो गए हैं एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसमें हम 1.5 जितनी मिर्ची रोस्ट कर लेंगे। हमारी मिर्ची भी रोस्ट हो गई है। इसे भी हम बटाने के साथ ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी मूंग की दाल भी बॉईल होने को आ रही है। इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। हमने जो मिर्ची सेक के रखी थी वो और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हम पीस के रख लेंगे। इसमें जो हमने वटाने सेक के रखे थे उसे भी हम पीस लेंगे। हमने इसे ऐसा दरदरा पीस लिया है। उसमें 1.5 चम्मच ये बड़ा वाला मैंने इसमें तेल रखा है। इसमें मैं आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हींग डालूंगी। हमारी हींग अच्छी हो गई है। अब इसमें मैं 1 चम्मच जितना सौंफ डालूंगी और आधा चम्मच जितना कसूरी मेथी डालूंगी। यह अच्छे से भुन गया। अब इसमें मैं आधी मिर्ची की पेस्ट डालूंगी। इससे अच्छे से सेक लेंगे। और फिर मैंने आधी वाटी जितना बेसन लिया है वो इसमें डाल दें। अब इसे बेसन में से खुशबू आनी है चालू हो जाए तब तक हमें इसे सेकना है। आपको थोड़ा तेल अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच छोटा तेल अप्लाई किया है और अब इसे हम अच्छे से बेसन की अरोमा आती है तब तक इसे सेकना है। उबल गई है, इसे हम गैस बंद करते हैं। हमारे बेसन का कलर चेंज हो रहा है और इसमें अरोमा भी आ रही है। तो हमारा बेसन अच्छे से सीख गया है। अब इसमें हम जो मूंग की दाल बॉईल की थी वो डाल देंगे। अब पानी बहुत कम रखते हैं मूंग की दाल में जिससे इसका पानी वेस्ट ना हो। साथ में हम जो वटाने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। आप खाली मूंग की दाल से भी फिलिंग्स बना सकते हैं, खाली वटाने के भी बना सकते हैं। पर हाँ
अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पाव चम्मच मिर्ची क्योंकि हमने हरी मिर्ची डाली है, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर और दो चम्मच जितना हम इसमें नमक डालेंगे। हम ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें एक चुटकी भर गरम मसाला डाला और आधी चम्मच लाल मिर्च डाली। हमने इसमें आधी वाटी कोथमीर धो के काट के अच्छे से रखी हुई है वो डाला। इस तरह ये हमारा फिलिंग्स तैयार हो गया। हमने फिलिंग्स को ठंडा करने के लिए दूसरे बाउल में निकाल लिया है। ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम कचौरी का आटा लगा। हमने 200 ग्राम जितना मैदा लिया है, इसमें मैं एक चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ और इसमें मैं दो बड़े चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी से ये कचौरी खस्ता बनती है। हमारे आटे को अच्छे से मसल दिया है। अब इसे हम आधा ग्लास पानी में डव लगा लेंगे। इसका हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसका आटा लगा लेंगे। इस तरह यह हमने डव लगा दिया। अब इसे सेट होने के लिए हम इसे ढक देंगे। अब इसे एक ढक्कन से ढक देंगे। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। जब तक हम मैदे के आटे को रेस्ट दे रहे हैं डव को, तब तक हम इसे गोले बना के रख देंगे। हमारा ये फिलिंग्स ठंडा हो गया कचौरी का। हमारा डव रेडी हो गया है, अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा तेल लेके मसल देंगे। एकदम आधा से कम, थोड़ा छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच ये तेल हम लगा के इसे मसल देंगे। हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसमें से हम एक छोटी पूरी जितना पेड़ा काट लेंगे। इसके हम 3-4 लुए बना लेते हैं। हम इसे बेल लेंगे। छोटी पूरी जितना इसको बेलना है। ये हमारी छोटी पूरी जितना इसको बेल लिया मैदे के इसको। अब हम इसमें से एक कचौरी का फिलिंग्स इसके अंदर भरते हैं और इसे इस तरह से पूरा बंद करके हम इसे
अच्छे से, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। और इसे हम कचौरी जितना बड़ा इसे कर लेंगे। इस तरह हम दूसरा पेड़ा भी लेके इस तरह बेल लेंगे, आटे का पेड़ा। ये हमारी एक छोटी पूरी बन गई। हम इसे दबा के अच्छे से फिलिंग्स को इस तरह से भर देंगे। इसे हम चारों तरफ से बंद कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से बेल लेंगे। इसी तरह हम सब कचौरी ठीक से इस तरह से बना लेंगे। हमारी सब कचौरी तैयार हो गई। एयर फ्रायर भी प्री हीट हो चुका है, अब हम उसमें इसे रखेंगे। ये हमारा फ्रायर प्री हीट हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर। इसमें हम एक टाइम में दो ही कचौरी सेट करेंगे, इसमें ओवरलैपिंग नहीं करना है। अब हम इसे फ्रायर में अटैच, अब इसे हम फ्रायर में लगा देंगे। और हम इसमें टाइम सेट 200 डिग्री पे है। अब इसे मैं 20 मिनट के लिए सेट करती हूँ। 20 मिनट के लिए मैंने सेट कर दिया है। हमारी एयर फ्रायर में कचौरी बनती है, तब तक हम तेल में भी कुछ कचौरी तल के देखेंगे। हमारा तेल आया कि नहीं, गर्म हुआ कि नहीं, ये चेक करते हैं हम थोड़ा सा डाल के। ये ऊपर आ गया है आटा। अब हम इसमें, हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तभी हमने इसमें कचौरी डालनी है। और बिल्कुल आँच धीमी करनी है, कचौरी एकदम से फूल गई है। इसे अब हम पलटी देंगे। ये फ्रायर में हमने कचौरी चेक कर रहे हैं, ये एकदम अच्छी क्रिस्पी बनी है। हमने फिर से दो कचौरी इसमें सेट कर दिए। अब मैं इसे एयर फ्रायर में रखने जा रही हूँ। और टाइम का सेटिंग मैं 20 मिनट कर रही हूँ। यह 20 मिनट में हमारी जो पहली कचौरी है वो 20 मिनट में हो गई थी, इसको मैंने 20 मिनट पे सेट किया है। ये हमारी एयर फ्रायर की कचौरी अच्छी बन गई है। ये देखिए, पूरी दो हुई है और बहुत ही क्रिस्पी है। देखिए आप, एकदम क्रिस्पी है। इसे हम दो चटनी के साथ, इमली की चटनी और हरी पुदीना और कोथमीर की हरी चटनी के साथ हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो दही भी डाल के खा सकते हैं। मैंने इसे चेक किया, इसे मैं कोई भी तेल अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और इसे मैं फिर से फ्रायर में 5 मिनट के लिए रहने दे रही हूँ। ये हमारी कचौरी देखिए एकदम क्रिस्प और थोड़ी गुलाबी हो गई है। खाने के लिए बहुत अच्छी बनी है। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। आप भी इसे बनाइए और चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौरी बनी है इसमें भी।